बाद मसीद आपको शिकंजा जो है उनकी गर्दन के गिर्द और फंदा जो है उनकी गर्दन के गिर्द अल्लाह मसीना माफ करे। कोतवा नजर उफ आएगा। उफ, याद रखनी चाहिए इस तरह के। मैं जियाउल के दौर में भी भुट्टो साहब के लिए सुनता रहा कि उनके गले का शिकंजा तैयार हो गया और ये हो गया और वो हो गया। हमें, मेरा ख्याल है कि अपने जज्बात से बाहर निकल के बात करनी चाहिए। में इसाराना साहब ने बहुत गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया था। मुझे नहीं मालूम कि इनके यहाँ या इनके खानदान में या इनके घर में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर वो अरे तो अल्फाज आपको या पता है, फिर कभी छोटी घर बहन की है, फैमिली से अगर ये नहीं, गैर मुनासिब मैंने अल्फाज है इसाराना तो मैं साहब, मैंने वापस ले आपको लेता इंटरप्ट हूँ। नहीं किया, मुझे इंटरप्ट ना कीजिए, मैंने आपको मैं आपको इंटरप्ट नहीं याद किया। कराना बरए चाहता इसाराना साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बरए मेहरबानी मुझे भी इंटरप्ट ना कीजिए। एक एक करके। हाँ जी, मेरी फरीदा तो साहबा की छोटी बारी। बहन कह के या मेरी माँ बहनों की तरह, बेटियों की तरह, भाई ना मैं आपकी माँ बहनों की तरह हूँ ना बेटियों की तरह हूँ, मैं एक खातून हूँ, बतौर खातून मेरी इज्जत की। मेहरबानी कोई मुझे सहाफत ना सिखाए और इस तरीके से लिबादे में ओढ़ के या अपने एजेंडे के लिबादे में ओढ़ के बरए मेहरबानी मुझे ना बताइए कि तजिया निकारी किस तरह करनी। मैंने आपसे कहा ना कि ये जरा सोचना चाहिए हमें कि क्या ये फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं था। खाते हैं बेचारे, डंडे खाते हैं, गोली। आजकल बड़ा भार है कि वो फरार हो गए, तो फरार होके लंदन तो नहीं गए, वो जद्दा तो नहीं भाग गए। अब सवाल तो ये है कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी और किसी हद तक उमर अयूब क्यों थे, बाकी लीडरशिप कहाँ थी? मैं तो एक जुमला कह रहा हूँ कि इस सारी गेम से एक बात वाजी हो गई कि इमरान खान अभी, हसन भाई कह रहे थे ना कि लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मेरा कहना है कि लाशें गिरनी भी नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक टॉक शो में सीनियर तजज़ियाकार इसार राना और लफाफा खोर सहाफ़ी और एंकर पर्सन रीदा फ्रूकी एक दूसरे पर बरस पड़े। जब लफाफा खोर एंकर रीदा फ्रूकी ने कहा कि इमरान खान की गर्दन के गिर्द अब शिकंजा मजीद तंग होगा, उनको 8 मुकदमात में अभी तो उनकी जमानतें रिजेक्ट हुई हैं, आगे देखें होता है क्या। एक तरफ लफाफा खोर एंकर पर्सन रीदा फ्रूकी कहती है कि हुकूमत की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई, जबकि टॉक शो में आगे चल के वो अपनी ही जबानी कह रही हैं कि ये तरीके इंसाफ वाले हर मरतबा अपने वर्कर्स को लेकर आते हैं, हर मरतबा उनके ऊपर शेलिंग होती है, उनके नाकाम होकर वापस चले जाते हैं। इसार राना और रीदा फ्रूकी के दरमियान ज़बरदस्त किस्म की बहस हुई। आए पहले इनकी गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। कह रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर आप पीटीआई के एहतजाज को इस बात से जोड़ते हैं कि ये गद्दार लोगों का एहतजाज है, तो आप खुदा रहा उन लोगों की बेहुमती ना करें जिन्होंने 8 फरवरी को पीटीआई को वोट दिया। तो उन्होंने गद्दारों को नहीं किया था, ये वतन सर दुश्मनों को नहीं आपने जो किया बात था। की है वो हमें तो आप सियासत में ठीक थोड़ा है, सा एक कदम पीछे आ जाना चाहिए। अगर हम सियासतदानों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो माहौल को थोड़ा कूल डाउन करें, तो हमारे तजिया निगारों को भी चाहिए कि हम भी थोड़ा सा माहौल गरीदा कूल डाउन फारूकी, करें, चले जिनमें से मैं आप तीनों से, सर मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं तीनों से ये रहनुमाई ले लेता हूँ। गरीदा फारूकी साहब, इस माहौल को अब कूल डाउन करने के लिए क्या किया जा सकता है? या हम फिर देखेंगे 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, या 1.5 महीने के बाद दोबारा एक कॉल आएगी? ये फाइनल कॉल 2024 की फाइनल कॉल है, मतलब क्या हो सकता है? मंसूर अली खान साहब, एक तो आपकी इजाजत से मैं इसाराना साहब से गुजारिश करना चाहूंगी, पिछले प्रोग्राम में भी ये मेरे साथ मौजूद थे लेकिन मुझे कहीं जाना था तो मैं प्रोग्राम के खात्मे से 10 मिनट पहले चली गई थी, और मेरी एब्सेंस में इसाराना साहब ने बहुत गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया था। मुझे नहीं मालूम कि इनके यहाँ या इनके खानदान में या इनके घर में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर वो अरे तो अल्फाज आपको या पता है, फिर कभी छोटी घर बहन की है, फैमिली से अगर नहीं, ये गैर मुनासिब मैंने अल्फाज है इसाराना तो मैं साहब, मैंने वापस आपको ले लेता इंटरप्ट हूँ। नहीं किया, मुझे इंटरप्ट ना कीजिए, मैंने आपको मैं आपको इंटरप्ट नहीं याद किया, करा रहा बरए हूँ, क्योंकि आप मेहरबानी चली गई थी, मुझे आपको नहीं इंटरप्ट पता ना था, मैंने कीजिए। कहा था मेरी छोटी बहन है, ये गैर नहीं, मुनासिब अल्फाज छोटी है तो मैं बहन वापस कह ले के लेता इसाराना साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बरए मेहरबानी मुझे भी इंटरप्ट ना हूँ। एक कीजिए। एक करके। हाँ जी, एक फरीदा तो साहबा की छोटी बारी। बहन कह के या मेरी माँ बहनों की तरह, बेटियों की तरह, भाई ना मैं आपकी माँ बहनों की तरह हूँ ना बेटियों की तरह हूँ, मैं एक खातून हूँ, बतौर खातून मेरी इज्जत कीजिए, बतौर एक इंसान मेरी इज्जत कीजिए, एक खातून की बतौर मैंने इंसान भी इज्जत वो करना एडीएम के हमारे तौर पे मुल्कों का इस्तेमाल किया सीधा था ना, जवाब। क्या करते हैं नहीं नहीं सर साहब, मुझे जवाब देने दीजिए ना, मैंने आपको जी, इंटरप्ट नहीं बोलिए किया, बरए मेहरबानी जी मुझे जी जी इंटरप्ट ना प्लीज कीजिए। प्लीज प्लीज। आज भी बराए मेहरबानी कोई मुझे सहाफत ना सिखाए और इस तरीके से लिबादे में ओढ़ के या अपने एजेंडे के लिबादे में ओढ़ के बराए मेहरबानी मुझे ना बताइए कि तजिया निगारी किस तरह करनी हो। उर्दू अदब का एक वसी, उर्दू जबान का एक वसी जखीरा है, कुछ मुहावरे इस्तेमाल होते हैं, कुछ इस्तियारे इस्तेमाल होते हैं, कुछ इशारे किनाइए इस्तेमाल होते हैं, अगर आप इस किस्म की बातों पर एतराज करना शुरू कर देंगे तो आप उर्दू अदब का बड़ा फर्क कर देंगे, आप उर्दू शायरी का बड़ा फर्क कर देंगे। ऐसी ऐसी इनकलाबी शायरी लिखी गई है कि उसको अगर आप आज के दौर पे या किसी भी दौर पे इस्तेमाल करें तो उस पर पाबंदी लगना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल तो ठीक। जरा बर्दाश्त का हौसला रखा करें। ठीक है, आपका एक व्यू पॉइंट है, वो आपको मुबारक, मैं उसकी मुकम्मल एहतराम करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि जी आपको या किसी भी और को तजियाकारी करते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल ना करने चाहिए। भाई आपका अपना ओपिनियन है, आपका अपना राइट है, जिस किस्म की बात आप करें, मेरा ओपिनियन है, मेरा राइट है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की कि जी अब जो मैंने पहले आपसे गुजारिश की ना कि क्या अब फाइनल कॉल 2.0 आएगी, क्या आप फाइनल कॉल ए बी सी एक्स वाई जी ये सब कुछ आता चाहेगा? पीटीआई अपने सारे तुर्क के पत्ते खेल चुकी है, ठीक है, अपने पॉन्स को, अपने प्यादों को इस सियासी बिसात पे, इस सियासी शतरंज पे इस्तेमाल कर चुकी है। मैंने आपसे कहा ना कि ये जरा सोचना चाहिए हमें कि क्या ये फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं था, कि जी हम डी जॉब पे सस्टेन तो नहीं कर सकते लेकिन हमें इमरान खान के आगे सुरखरू भी होना है,
तो इस तरह से डिस्पर्स करके हमें देख लिया जाए ताकि हमारे पास दोबारा आने का कोई इम्कान ही ना बचे। अब उसमें जो मासूम कारकुन है वो पॉन के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, कुछ दो कैजुअल्टीज का, तो एक मेरे ख्याल पिम्स ने या शायद पॉलीक्लिनिक ने किसी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल ने कहा है कि सिविलियंस की दो कैजुअल्टीज हैं, लेकिन बाकी हलाकतों का अभी तक कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो ये नामुमकिन है कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे लाशें गिरी होती कोई 100, 200, 300, 400 जैसे ये तमाम के तमाम गुमाश से पीटीआई के सोशल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान से बाहर भी प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो खुदा के लिए देखिए हुआ क्या है कि फाइनल कॉल चूंकि नाकाम हो गई, खत्म शुद्ध हो गई। अब कहीं ना कहीं तो आपने हुकूमत पे मलबा डालना है ना, कहीं ना कहीं तो आपने अपनी सियासी सुबकी से बचना है, आपने अपने कारकुनान को भी कुछ फॉर्डर प्रोवाइड करना है कि वो किस चीज पे खड़े हो सके। कारकुनान इतने नाला हैं, इतने मायूस हैं, बिकॉज आप हमेशा उनको निकालते हैं, मार खाते हैं बेचारे, डंडे खाते हैं, शेलिंग खाते हैं, खवार होते हैं, उसके बाद आप फरार हो जाते हैं। ठीक है, तो अब पीटीआई के पास सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गए। इसार साहब, ये सर ये जो कुछ भी हुआ सर वो बड़ी हजीमत हो गई पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, तो फाइनल कॉल कहा हुआ था, फाइनल कॉल के तो कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकी सर, ये तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए एम्बेरसिंग नहीं हो गया या एक नया सफर एक नई रूह के साथ जो है अब सिलसिला दोबारा शुरू होगा? इसार साहब देखें, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये सब बात मानते हैं कि पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है उन्होंने इस सारे प्रोसेस में कई गोल किया। ठीक, तो ये बड़ी बात नहीं है कि इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले, और हसन मेरा भाई है वो कह रहे थे 24 घंटे नहीं निकाले, इन्हें बताया कि 36 से महज 48 घंटे वो वहां रहे। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि ये जो लव बार बार इस सारे इस्लामाबाद की बात पर वो कह रहे हैं, मैं कम्युनिकेट करता हूं, वो हसन साहब वो कह रहे हैं उन्होंने 36 से 48 घंटे अपने इस पूरे एहतजाज में निकाले, वो ये नहीं कह रहे डी चौक में लेकिन एहतजाज में निकाले, ये कह रहे हो जी सर? हाँ, दूसरी सुन ले, देखें मैं तो फाइलों पर खबरें नहीं बनाता, मैं तो जो फैक्चुअल पोजिशन होती है उस पर बात करता हूँ। ये लफ्ज आजकल बड़ा भार है कि वो फरार हो गए, तो फरार होकर लंदन तो नहीं गए, वो जद्दा तो नहीं भाग गए, वो लीग के 10 साल का एग्रीमेंट तो नहीं था, पाकिस्तान छोड़ के भाग गए, यही है ना? आज फिर वो खड़े हैं कह रहे हैं कि ठीक है हम करेंगे, यू करेंगे, ये करेंगे, फेस कर रहे हैं ना जी। ये तो नहीं किया कि कैनन में ट्रक हो गया सामान रख के और पैक करके बाहर भिजवा दिया। फरीदा फारूकी साहिबा, ये आपकी क्या राय है ये जो कुछ भी हुआ है? क्योंकि मुझे लग रहा था कि कल रात को जो मनाजिर हम देख रहे हैं, जो खबरें हमें आ रही हैं कि आने वाले दिन आने वाले हफ्ते शायद खान साहब के लिए कहीं मुश्किल ना हो, आज ही ये खबर आई कि 8 मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी जो दरख्वास्त थी जमानत की उसे आज रिजेक्ट कर दिया गया, मुश्किल मजीद घड़ियां क्या पीटीआई और खान साहब के लिए शुरू होने वाली हैं आपको लगता है? इससे ज्यादा क्या मुश्किल होगा मंसूर अली खान साहब की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो खत्म शुद होकर रह गई है। मैं कितने अरसे से मुसलसल यही गुजारिश कर रही हूँ, लेकिन बस कुछ ऐसे हमारे हमदर्दान हैं और कुछ ऐसे क्या कहना चाहिए कि अहमक मुशीरान हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, जो उनको सियासी मशवरे देते हैं कि नहीं जी बस अब आप ये कर लें तो अब तो सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा और सब कुछ तलपट हो जाएगा, हुकूमत आज की गई और कल की गई, उल्टा आप अपना मजाक बना रहे हैं। अब आपकी फाइनल कॉल भी खत्म शुद हो गई, अब आप क्या करेंगे? अब आप फाइनल कॉल 2.0 लेके आएंगे, फाइनल कॉल प्लान बी लेके आएंगे, फाइनल कॉल प्लान सी लेके आएंगे, फाइनल कॉल प्लान डी लेके आएंगे, ए टू जी आप सारी एबीसी सारे अल्फाबेट आप आजमा लेंगे, अब आप करेंगे क्या? आपने तो खुद को पीटीआई ने खुद को जाके बंद गली में बंद कर दिया है। और आपने दुरुस्त कहा मंसूर अली खान साहब के इमरान खान की जो 8 मुकदमात में जमानत आज खारिज हुई है, इसके बाद मजीद आपको शिकंजा जो है उनकी गर्दन के गिर्द और फंदा जो है उनकी गर्दन के गिर्द बड़ी खतरनाक मंजर कशी है गरीदा साहब, इसको थोड़ा सा मैं डर गया, आपके अल्फाज से मैं बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है ये फंदा ये गला ये This is an idiomatic expression, मुहावरतन इस्तेमाल है, इसको आप मुहावरतन इस्तेमाल में ही दें। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ बिल्कुल इस वक्त अपनी हालत नजा पे पहुंच गई है। अब देखें आज जो वजीर आजम ने कैबिनेट मीटिंग में भी अनाउंस कर दिया कि जी अब वक्त आ गया है कि हम सख्त मेजर्स लें, और साथ ही उन्होंने ये भी जता दिया कि जी सिपा सालार ने भी हमारी मुआवनत की इस प्रोटेस्ट को डिस्पर्स करने में। तो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत तो एक ही पेज पे हैं, और ये पेज अनकरीब ना तो मध्यम होता हुआ नजर आ रहा है, ना ही पलटता हुआ नजर आ रहा है, ना ही फटता हुआ नजर आ रहा है। तो अब पीटीआई क्या करेगी? अब सवाल तो ये है कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी और किसी हद तक उमर अयूब क्यों थे, बाकी लीडरशिप कहाँ थी, बैरिस्टर गौहर कहाँ थे, शेख वकास कहाँ थे, इस्लामाबाद में वो क्लेम करते हैं जी 3 सीटें हमारी हैं, लाखों वोट हमने यहाँ से लिए हैं, तो इस्लामाबाद के वो तीनों लोग कहाँ थे जो कि ट्रिब्यूनल्स में केस लड़ना चाहते हैं, पंजाब की सारी लीडरशिप कहाँ थी? क्या ऐसा मुमकिन है, मैं एक फूड फॉर थॉट यहाँ पे छोड़ के जाना चाहती हूँ, कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ये सब कुछ फरमाइशी प्रोग्राम के तौर पर हुआ? क्योंकि प्रेशर तो बहुत था ना इमरान खान का कि डी चौक आपने लास्ट मंथ पहुंचना है, अब डी चौक पहुंचने के बाद क्या करना है? हो सकता है कि ये फरमाइशी प्रोग्राम हो, ठीक कि जी आप हमें आने दें डी चौक और फिर इस तरह से हमें डिस्पर्स कर दें ताकि हमें भी फेस सेविंग मिल जाएगी, कोई हमारी भी सियासी इज्जत रह जाएगी और इमरान खान तक भी पैगाम पहुंच जाएगा कि इतना आसान नहीं है दोबारा डी चौक, वरना फिर ये गंडापुर और बुशरा बीबी अरेस्ट क्यों नहीं हुए?
इसार साहब ये सारे इस सारे मामले के अंदर जो है वो गरीदा साहब ने चंद बड़े अहम सवाल उठाए कि लग इस तरह है, शक हो रहा है, इवन हसन साहब एग्री नहीं करते, लेकिन शक हो रहा है कि वो लीडरशिप बाकी किधर थी, सिर्फ केपी से चंद अफराद आए हुए थे, इस्लामाबाद की लीडरशिप किधर थी, पंजाब की किधर थी, तो आपको भी शक तो नहीं पड़ता कि ये कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखा हुआ था? मैं तो एक जुमला कह रहा हूं कि इस सारी गेम से एक बात वाजे हो गई कि इमरान खान है और वो अकेला लड़ा। अच्छा, और इंडिया की एक फिल्म थी, उसका गाना था ताश के 52 पत्ते, पंजे छिके सत्ते, सबके सब भर जाए, ये ताश के 52 पत्ते जो है सब भर जाए। अच्छा, और वो अकेला अपनी जंग लड़ रहा है, वो जीते या हारे ये तो अल्लाह जानता है। तो हम कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं, कुछ और निकल नहीं, नहीं, अकेला तो नहीं इसार साहब, अकेला तो नहीं, बुशरा बीबी तो कम से कम है ना, उनकी वाइफ तो साथ ही होंगे, वो तो उनकी, तो मेरी सुन ना, मेरी जंग में अगर मेरे बच्चे हैं तो वो तो मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो लोग दावेदार थे वो तो नहीं लड़ रहे ना। दूसरी बात ये कि ये जो अभी हसन भाई कह रहे थे ना कि लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मेरा कहना है कि लाशें गिरनी भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो किसी किसी रेंजर्स वाले की हो, किसी पुलिस वाले की हो, या किसी वर्कर की हो, लाशें नहीं गिरनी चाहिए। हम उस नहज पे क्यों चले जाते हैं कि जहाँ लाशें गिरना शुरू हो जाती है, हम क्यों नहीं उससे पहले चीजों को हल कर लेते? आज मौलाना फजल रहमान साहब का बयान सुन लेना, उन्होंने कहा कि असल लड़ाई है, वोट को इससे दो वाली है, आप मैंडेट मान लेते तो शायद यहां तक बात ही ना पहुंचती, इस तरह की सूरत हाल ही ना होती। और ये दूसरी बात है कि देखें, हम तजिया निगार, हमें भी जरा एहतियात रखनी चाहिए। इस तरह के मैं जियाउल हक के दौर में भी भुट्टो साहब के लिए सुनता रहा, उनके गले का शिकंजा तैयार हो गया और ये हो गया और वो हो गया। हमें, मेरा ख्याल है कि अपने जज्बात से बाहर निकल के बात करनी चाहिए। इमरान खान भी शिकंजा तैयार हो गया तो क्या हो गया, कुछ 200 कदम तो पहले ही वो उन्होंने इसार साहब, गरीदा फारूकी साहब ने उसे क्लियर कर दिया था कि वो उनका कोई वो रियलिस्टिक सिचुएशन के हवाले से नहीं, वो कह रही थी फिगर ऑफ स्पीच के हवाले से वो बात कर रही थी, उन्होंने क्लियर कर दिया है। मैं ये जो उन्होंने जिस तरह एग्रीमेंटिक बात की है मैं उसको समझता हूँ, लेकिन बाहर गरीदा, मैं उनके बड़ी इज्जत करता हूँ, उनके पास अल्फाज का एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें जो सा मर्जी दबे अल्फाज को चुन सकती है, ठीक। लेकिन बाद में जो बात कर रहा था मंसूर साहब वो ये थी कि आज मैं जो वजीर आजम साहब का जुमला है, हमने से किसी ने कोट किया कि उन्होंने कहा कि इस क्राइसिस में आर्मी चीफ हमारे साथ खड़े हुए, तो इसका मतलब आप नए नए हैं ना, आप नहीं संभाल सकते कोई भी सिचुएशन, हर दफा रेस्क्यू करना पड़ता है आर्मी चीफ साहब को। आप तो कह रहे थे कि हमारी पुलिस फोर्स बड़ी स्टैम्प वो है, आप तो कह रहे थे कि हमने चिड़ी पर पड़नी मारने देंगे, आप तो कह रहे थे कि हम देखते हैं या कोई बंदा आएगा पड़का के रख देंगे, आप तो कह रहे थे कि जनाब हमारे नारे तकबीर लगाते हुए पुलिस फोर्स पे आप मार दिखा रहे थे। नहीं, नाज़रीन आपने मुकम्मल वीडियो देखी, इसार राना ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस एहतजाज के बाद एक बात तो वाजिया हो गई है कि इमरान खान इस जंग में अकेला लड़ रहा है, बाकी सब इमरान खान को धोखा दे रहे हैं। एक बात गरीदा फारूकी ने बिल्कुल ठीक कही कि इस एहतजाज में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क्यों नज़र नहीं आई, गंडापुर उमर अयूब के अलावा बाकी सब कहाँ थे? नाज़रीन बात इसार राना वाली बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान इस जंग को अकेला लड़ रहा है, और इमरान खान के साथ अगर कोई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम है, बाकी सब लीडरशिप कम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। नाज़रीन आपका इस बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।